आज अपन चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, सीबीएसई की 8.4 जैसा है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस जो अपन 8.4 में इसमें रिपीट भी हुए हैं, उस जैसे ही क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको यहाँ पर लिंक डाल दूंगा, कौन से कहाँ से जाना है वो उसमें से कर लेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे 7.1। ठीक है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से हैं, एक बार पढ़िए आप। यानी कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक थीटा के टर्म में आपको बदलना है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो सारे कौन से होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टैन कोट, सबको किस में चेंज करना है, सेक थीटा में। मतलब थीटा जितने भी हैं 6 के 6, उन सबको सेक थीटा में आपको कन्वर्ट करना है। यानी कि साइन को भी सेक में, कोस को भी सेक में, टैन को भी सेक में, ठीक है सबको। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं इसको, फर्स्ट क्वेश्चन को। तो अपन देखो, सेक में चेंज करना, तो कोई सी भी आइडेंटिटी शुरू कर दो। स्टार्टिंग सपोज अपने ली साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा बराबर 1, कुल मिला के सेक में आंसर लाना है। इसकी ये आइडेंटिटी 1 होती है। तो मुझे एक बात बताओ, साइन स्क्वेयर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस, उधर जाके कोस माइनस का हो जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा, राइट। तो मैं साइन थीटा, जो साइन स्क्वेयर थीटा है वो का वो 1 माइनस कोस को लिख सकता हूँ 1 अपॉन sec थीटा, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, भले पूरे पे लगाओ तो भी 1 का स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा होगा, या फिर लिख दो। ठीक है, तो कोस स्क्वायर, इसलिए 1 कोस होता है 1 अपॉन sec। देखो चेक, 1 cos थीटा होता है 1 अपॉन sec थीटा, वो अपने यहाँ पर अप्लाई किया है, कोस 1 अपॉन sec, ऊपर स्क्वायर है, तो मैं चाहूँ तो होल ट्वाइस लगा दूँ या फिर ऐसे खोल दूँ, एक ही बात है। तो अपन को साइन को बदलना है, तो साइन को बदलना है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है, तो आप क्या करो, इस स्क्वायर को आपको पता ही, जब इधर जाता है रूट में जाता है 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस में जाता है, लेकिन माइनस की वैल्यू लेते नहीं है। तो साइन की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा, और ऊपर पूरे के ऊपर अंडर रूट है। मतलब ये है कि पूरा क्वेश्चन साइन का पूरा सेक के टर्म में बदल गया। ठीक है, चलो साइन आ गया, कोस, कोस तो आप जानते हो खुद 1 अपॉन sec थीटा होता है, चलो कोस ऐसे चेंज हो गया सेक के टर्म में, तो साइन सेक के टर्म में चेंज हो गया, कोस सेक के टर्म में चेंज हो गया। अब आ जाओ बच्चे टेन थीटा पर, और आप अच्छी तरह जानते हो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, होता कि नहीं होता, होता है। साइन थीटा क्या आया, ये रहा, साइन थीटा की जगह साइन थीटा वाली वैल्यू रख दो 1 माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस क्या है, ये रहा 1 अपॉन sec थीटा, इधर क्या चल रहा है बच्चे, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर, देखो इसके ऊपर रूट है, इसके ऊपर रूट नहीं है, रेसिप्रोकल करवा दो, तो वो आ जाएगा अंदर 1 माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया sec थीटा। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद नीचे देख लो, तो टेन थीटा का टेन थीटा, इसके लेंगे अपन एलसीएम, रूट का रूट एलसीएम लिया, तो एलसीएम आया sec स्क्वायर थीटा, 1 का sec स्क्वायर थीटा में डिवाइड sec स्क्वायर थीटा को 1 से, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा 1 को 1 से मल्टीप्लाई, कुछ नहीं किया, एलसीएम सोल्व करो, अपने हिसाब से कर सकते हो, इधर sec थीटा। अब देखो बच्चे, टेन थीटा बराबर, पूरा क्वेश्चन सेक के टर्म में चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसका तो सेक स्क्वेयर थीटा -1 ही रखूंगा, बिकॉज इसका तो रूट हटेगा नहीं। अब गलती से आप सेक स्क्वेयर थीटा -1 को टेन स्क्वायर थीटा मत लिख देना, बिकॉज फिर तो टेन के टर्म में चेंज हो जाएगा ना, अपन को पूरे क्वेश्चन को सेक के टर्म में रखना है, इसलिए चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इसका रूट हट जाएगा इससे, इसके ऊपर भी तो रूट है, इसके ऊपर भी तो रूट है, इसके ऊपर तो रूट लगा रहेगा, बिकॉज इसका ये स्क्वायर है नहीं, होल ट्वाइस होता तो हट जाता, और इसके स्क्वायर से इसका रूट हट गया, तो इस ये बच गया सेक थीटा, और इधर मल्टीप्लाई में सेक थीटा चल रहा है, तो इससे ये कट गया, तो टेन थीटा के बच्चे वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1, ये टेन थीटा आ गया। टेन थीटा थोड़ा सा लंबा चला, कोई बात नहीं, टेन होता है साइन अपॉन कोस, साइन की वैल्यू ये यहाँ से ली थी, कोस की वैल्यू यहाँ से ली थी, इसका रेसिप्रोकल करवा दिया, इसके बाद यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, तो टेन भी सेक में चेंज हो गया। अब कौन बचा, कोट, बच्चे कोट क्या होता है, कोट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा,
हालांकि कोस अपोन साइन भी होता है, लेकिन वो लंबा पड़ेगा, टेन की सीधी सट रख देंगे वैल्यू यहाँ पर, वन अपॉन टेन की वैल्यू ये रही, तो ये डायरेक्ट चेंज हो गया, सेक स्क्वेयर थीटा माइनस वन, ये कौन आ गया, कोट थीटा, चलो कोट भी सेक के टर्म में चेंज हो गया। देखो करना कुछ नहीं है, पूरा क्वेश्चन सेक के अंदर आ जाना चाहिए, वो चाहे रूट में हो चाहे कैसे भी हो, सेक के अलावा और कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं होना चाहिए, कोई सा भी थीटा नहीं होना चाहिए। देखो सेक है यहाँ पर, बाकी वन है चलेगा, थीटा सेक ही होना चाहिए, ठीक है। चलो साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, सेक तो खुद ही बचा कोसेक, एक लास्ट बचा है कोसेक थीटा, उसको बच्चे अपन यहाँ कर देते हैं, कोसेक थीटा वो होता है वन अपॉन साइन थीटा, होता है नहीं होता, तो वन अपॉन साइन की वैल्यू क्या आई थी, ये रही वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन सेक स्क्वेयर थीटा, ठीक है, ये हो गया अपना कोसेक थीटा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी सेक में चेंज हो गया, ये भी सेक में चेंज हो गया, ये भी सेक में, तो मतलब सारे थीटा सेक के अंदर चेंज हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ मुझे तो क्वेश्चन नंबर टू एक बार पढ़ो आप, यूँ कह रहा है क्वेश्चन नंबर टू कि साइन थीटा सेक थीटा एंड टेन थीटा, इन तीनों को किस में बदलना है, कोट थीटा के टर्म में बदलना है, ठीक है बच्चे। देखो एक बार कि जो पिछला क्वेश्चन था वो ये था कि सारे थीटा को सेक में बदलना था, अब इसको साइन को भी कोट में बदलना है, सेक को भी कोट में बदलना है और टेन को भी कोट में बदलना है, बस ये तीन ही बात पूछी उसने, सारे थीटा नहीं पूछे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं पूछे, यानी कि सारे त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं पूछे। सॉल्यूशन देखो, अब साइन से कोट कैसे आएगा, जितना ज़्यादा नज़दीक जो पड़े वो आइडेंटिटी लगानी है, यानी कि अपन एक बात बताओ, अपन ये जानते हैं कि कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा बराबर वन, बताया था मैंने आपको एस टी एस सी 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 शॉर्टकट, फॉर्मुलों में जाओगे तो सब मिल जाएंगे आपको, तो कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा बराबर वन, ये मैंने क्यों लगाया, जबकि मुझे तो कोसेक को तो चेंज करना ही नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि कोसेक मुझे साइन दे देगा, कोसेक होता है वन अपॉन साइन, और कोट को उधर भेज दूंगा तो कोसेक से साइन आ जाएगा, और क्वेश्चन कोट भी चाहिए तो कोट में बदल भी जाएगा, तो ये आइडेंटिटी ज़्यादा बेटर है, यानी कि इसका मतलब ये समझो कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कोट, उधर जाके कोट हो जाएगा प्लस का। अब देखो बच्चे इसको मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर है ना, तो इस स्क्वायर को हटाओ और इधर भेज दो रूट में, प्लस माइनस होता है लेकिन माइनस लेते नहीं बार बार, क्या बताना, तो कोट स्क्वायर थीटा ये ले लिया। अब देखो मुझे कोसेक तो चाहिए ही नहीं ना, कोई बात नहीं, कोसेक को लिख दो वन अपॉन साइन थीटा, तो कोसेक होता है वन अपॉन साइन थीटा अंडर रूट, इधर वो का वो वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसको बदलना नहीं क्योंकि हमें कोट में ही आंसर लाना है, इसको रहने दो। लेकिन अब एक बच्चे ध्यान रखो, वन अपॉन साइन थीटा नहीं चाहिए, सिर्फ साइन थीटा चाहिए, तो कोई बात नहीं, ये भी तो ऐसा है, तो जब ये इधर आएगा तो ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा, वन अपॉन वन तो है ही, और इसको ले आता हूँ इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें ना अपन, वज्र गुणा वैसे तिरछा गुणा, ये तो आ जाएगा इसके नीचे, बिकॉज डिवाइड में, तो इसके नीचे आ जाएगा बराबर, इसको जब इधर भेजेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, और वन का नीचे कोई मतलब नहीं, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, मतलब साइन थीटा कोट के टर्म में आ गया। आ जाओ चलो, साइन तो आ गया, सेक, अब सुनो, सेक थीटा होता है, दो फॉर्मूले हैं, सेक होता है वन अपॉन कोस, अब क्या अपने पास कोस है क्या, नहीं है, तो फिर एक ऑप्शन और है, यहां पर अगर कोस की वैल्यू नहीं है फिर ये अपन नहीं लगाएंगे, जानबूझ के मैं आपको मिटा रहा हूं, क्लिक किया कि आपके माइंड में इक्वेशन उठ रहा होगा, लेकिन एक बेटर होगा, आप काम करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, एस टी सी सी शॉर्टकट है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन को उधर भेज दो तो वन और टेन दो जाके हो जाएगा बच्चे प्लस का, ठीक है। अब सेक अकेला चाहिए ना, सेक थीटा को बदलना, नोट सेक स्क्वायर को बदलना, तो इस स्क्वायर को उधर भेज दो रूट में, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा बराबर वन का वन, और टेन क्या होता है, टेन होता है वन अपॉन कोट स्क्वायर थीटा, हालांकि टेन साइन अपॉन कोस भी होता है, लेकिन मुझे साइन कोस के पट्टा में थोड़ी आंसर निकालना है, मुझे तो कोट के टर्म में आंसर निकालना है, तो टेन को वन अपॉन कोट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। अब देखो
सेक थीटा बराबर एक स्टेप और चला लो, बिकॉज यहाँ पर एलसीएम की गुंजाइश है। हालांकि इतना भी छोड़ दोगे तो कोई गलत नहीं है, बहुत है, कोर्ट के टर्म में तो आ चुका, लेकिन एक स्टेप और चला लो। कोर्ट स्क्वायर थीटा एलसीएम आया, इस केस में डिवाइड कोर्ट स्क्वायर थीटा, कोर्ट स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोर्ट स्क्वायर थीटा प्लस कोर्ट स्क्वायर थीटा से 1, 1 को 1 से तो 1, ऊपर अंडर रूट का अंडर रूट, तो सेक थीटा बच्चे क्या आया, देखो इसका तो रूट हटेगा नहीं, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, बिकॉज होल ट्वाइस होता तो स्क्वायर से इसका रूट कटता, बट इसका रूट कट जाएगा तो इसके ऊपर तो रूट लगा रहेगा और इस स्क्वायर इसका रूट कट जाएगा, मतलब ये कोट सेपरेट आ गया, कोट थीटा ओनली, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया तो सेक चेंज हो गया पूरे कोट के टर्म में, देख लो भाई सब जगह कोट ही कोट नजर आएगा, तो सेक थीटा हो गया कोट थीटा, चलो सेक भी हो गया। और टेन का तो सोचना ही नहीं है, टेन तो एक ही सेकेंड में हो गया, टेन होता है 1/cot θ, ठीक है। तो इस तरीके से टेन भी कोट में चेंज हो गया, सेक भी चेंज हो गया और साइन भी चेंज हो गया, ठीक है। हाँ बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यूँ कह रहा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा, LHS ये है, ORHS आपको प्रूव कराना है। ये ओवरऑल आपके 30 क्वेश्चन है, एज लाइक CBSE 8.4 है, उस जैसे ही क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये लेफ्ट हैंड साइड है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चे। हाँ अब देखो अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, देखो इसमें भी कोस स्क्वायर थीटा है, इसमें भी कोस स्क्वायर थीटा है, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, तो क्यों ना कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें अपन, पीछे क्या बचा, ये पूरा टर्म है, इसमें से कोस स्क्वायर थीटा निकल गया, मतलब इस जो चीज़ कॉमन ली जाती है उसका मतलब होता है बारी बारी से डिवाइड करना, तो जब कोस स्क्वायर थीटा का इसमें डिवाइड किया कोस स्क्वायर थीटा में तो आया 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा 1 कंप्लीट, पीछे क्या बचा कोट स्क्वायर थीटा, हमें आंसर कोट स्क्वायर थीटा चाहिए, तो अब इसके लिए कुछ जुगत करनी पड़ेगी, क्या करें, ये कोई आइडेंटिटी होती है तो कोस एक लाके देगी, उससे कोई बेनिफिट नहीं है, तो एक तरीका और है, कोस स्क्वायर थीटा को तो कोस स्क्वायर थीटा रहने दो, 1 प्लस कोट थीटा क्या होता है बच्चे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, होता कि नहीं होता, ऊपर स्क्वायर है तो लगा दो स्क्वायर और एक होल ब्रैकेट लगा दो, आप बड़ा ब्रैकेट लगा दो चाहे मीडियम ब्रैकेट लगा दो एक ही बात है, तो कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस इसको खोल दो बारी बारी, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन इससे ये खोलेगा तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा, कोस स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा रहने दो, ये आ जाओ इसके नीचे 1 रखो ताकि अपन एलसीएम ले सके, तो एलसीएम क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम आ गया, 1 का साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड, साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, एलसीएम सोल्व करें बच्चे, प्लस का प्लस साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड 1 और 1 को कोस स्क्वायर थीटा यानी कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चे आपको समझ में आएगा ये क्यों किया था, कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाना है, तो देखो कोस स्क्वायर थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट ये हो गया 1, क्योंकि आइडेंटिटी होती है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दोनों में थीटा सेम है, तो ये हो गया 1 और ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, क्या करा आपने यहाँ पर लिख दो कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो बच्चे जब कोस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, जब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल ट्वाइस, ओके दोनों पे स्क्वायर है ना तो स्क्वायर लगा दिया, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है बच्चे कोट थीटा और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, इट मीन्स कोट स्क्वायर थीटा, तो यही तो चाहिए था, तो ये अपना आ गया RHS। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना ज़रूर है, ओके। हाँ बच्चे तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यूँ कह रहा है, सेक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से समझना। देखो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री बड़ी इजी है अगर आप सोचो तो, लेकिन दिक्कत ये है ना कि आप खुद भी क्या ऐसा ही सोच रहे हो, वो थोड़ा ध्यान देना। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है, ओके तो बच्चे अपन को 1 लाना है, मतलब इट मीन्स ये है कि इन सबको ख़त्म करना तभी 1 आएगा, राइट। तो देखो बच्चे ऐसा है कि
कितनी टर्म है, मतलब थीटाज में, ये मानो आप सिंपल, सेक है, साइन है, सेक है, टेन है, सेक था, साइन और टेन, मतलब तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तीन थीटा है। अपन को कोशिश करनी है कि कोई दो बने, कोई दो में कन्वर्ट हो जाए, भले वो साइन कोस में हो जाए, भले वो सेक टेन में हो जाए, ताकि कोई आइडेंटी काम कर जाए। एस टी एस सी 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 यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन, ये एस सी। एस टी यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, और सी सी मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो कोशिश करनी है बच्चे कि इसमें कोई आइडेंटिटी काम करे और अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो वन आ जाए। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को मैं अगर देखूँ ना तो इजी पड़ेगा कि अपन इस पूरे क्वेश्चन को साइन कोस के टर्म में चेंज कर दें। देखो सेक क्या होता है, सेक होता है वन अपॉन कोस थीटा, क्यों अपन पूरे क्वेश्चन को साइन कोस के टर्म में चेंज कर रहे हैं। ये वन माइनस साइन थीटा का वन माइनस साइन थीटा ही रहने दो, बिकॉज ये ऑलरेडी साइन के टर्म में है तो इसको नहीं छेड़ना। ओके, इधर आ जाओ, सेक को गायब करो, साइन कोस के टर्म में लिखना है तो वन अपॉन कोस लिख सकते हैं, प्लस टेन को लिख दो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ब्रैकेट। कुछ पूछना है, इजी। अब देखो ये पूरा मल्टीप्लाई में है, पूरा क्वेश्चन साइन कोस के टर्म में चेंज हो गया इजीली, कोई टेंशन नहीं। अब इस वन माइनस साइन थीटा को वन से मल्टीप्लाई किया तो वन माइनस साइन थीटा ही आया, नीचे कौन है, कोस थीटा, ये एक चीज हो गई। इधर आ जाओ, इधर बीच में प्लस है तो ले लो एलसीएम, कोस थीटा आया, कोस थीटा से कोस थीटा वन, वन को वन से तो वन, प्लस कोस थीटा से कोस थीटा वन, वन को साइन थीटा से साइन थीटा। बच्चे देखते रहो, वन माइनस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा, यानी कि इट मीन्स हमें एक फॉर्मूले की याद आ गई इसको देख के, ए माइनस बी और ए प्लस बी, जो कि क्या होता है बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हियर मतलब यहाँ अगर मैं बात करूँ ए की, तो ए हमारा है वन और बी हमारा है साइन थीटा, बी को क्या लिया अपन ने, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ए को क्या ले रहा हूँ, बी को क्या ले रहा हूँ, ठीक है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बोर्ड पे देखो, हमें तो वन चाहिए ना, तो ये जो वन के ऊपर स्क्वायर है, वन एक बेचारा ऐसा होता है कि आप जो चाहो इसको जैसा बना लो, वन के ऊपर अगर इधर स्क्वायर फॉर्म लगाना है तो वन के ऊपर स्क्वायर लगा लो, अगर इधर क्यूब होता है इधर क्यूब बना लो, क्योंकि वन के ऊपर तो कुछ भी लगाओ वन की वैल्यू तो वन ही होती है। लेकिन अभी हमारे को इस स्क्वायर की जरूरत नहीं है, वन का स्क्वायर हमें कोई जरूरत नहीं, वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो मतलब मैं इसको हटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्यों उठाया, इसके पीछे रीजन है कि मुझे इस कोस स्क्वायर को काटना है और वन लाना है, और अब मुझे ये पता चल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, और मुझे याद आ गई साइन स्क्वायर की, इसको मैं उधर भेजूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन, ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, इसका मतलब ये हुआ कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही है, इसका मतलब ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा है, और इससे ये कट के मेरे को मुझे वन दे देगा, इसका मतलब यही तो आर एच एस है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। हाँ बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पांचवा, आपका यूँ कह रहा है, लेफ्ट हैंड साइड है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चे इट मीन्स ये हुआ कि है तो दोनों में सेक कोसेक और सेक कोसेक और सेक, बट फर्क इतना सा है कि यहाँ प्लस है और वहाँ मल्टीप्लाई है, इंटू है। तो देखो ऐसी कंडीशन बच्चे आप क्या सोचते हो वो मैटर करता है, कि आपको एग्जाम में तुरंत देखते ही सोचना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इतना सोचने के लिए टाइम नहीं है, देखते ही सोल्यूशन आ जाना चाहिए। तो बच्चे एक तरीका है कि अगर कोस एक और सेक है तो बेटर होगा इस क्वेश्चन को आप साइन कोस के टर्म में बदल दो। कैसे, कि कोस एक होता है वन अपॉन साइन और सेक होता है वन अपॉन कोस। अपन को यह भी पता है कि कोस एक और साइन वन अपॉन साइन होगा कोस एक, सेक होगा वन अपॉन कोस, और साइन और कोस मुझे वापस कोस एक और सेक भी दे देंगे। तो देखो और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ऐसी कोई आइडेंटिटी भी नहीं हुई, आप करोगे भी क्या, तो बेटर है इसको अपन साइन कोस के टर्म में बदलें। तो कोस एक होता है वन अपॉन साइन थीटा, ऊपर स्क्वायर है ना तो स्क्वायर लगा दो, किसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर। सेक होता है वन अपॉन कोस थीटा, ऊपर स्क्वायर है ना तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है।
अब देखो जिसको खोलो, खोलोगे तो वन का ऊपर स्क्वायर क्या होता है, वन, और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस वन का स्क्वायर वन, और कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ओके अब देखो बच्चे, इसका लेना पड़ेगा एलसीएम, बिकॉज यहाँ पर माइनस है बीच में, तो एलसीएम तो वही आएगा एस दैट इज साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, कोस स्क्वायर थीटा इंटू वन कोस स्क्वायर थीटा, एलसीएम सॉल्व कर रहे हैं, कोस स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड किया वन, बच्चा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को वन से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा या फिर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, ये होता है वन, आइडेंटिटी काम करती नहीं करती, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन, बिकॉज दोनों में थीटा थीटा सेम है, एक ही बात है, इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपॉन नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कोस, दोनों मल्टीप्लाई में एलसीएम लिया था ना इसलिए। अब एक बात बताओ, ये जो वन है इसका भी है, ये वन इसका भी है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ध्यान देना इसी चीज को, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू, बिकॉज इंटू में ना वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा लिखो ऐसा लिखो है तो मल्टीप्लाई ना, और क्यों लिख रहा हूँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि वन अपॉन साइन होता है कोसेक, और ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर थीटा, इंटू वन अपॉन कोस होता है सेक, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर थीटा, यही मेरी राइट हैंड साइड थी, इसलिए ये हो गया आरएचएस। हाँ बच्चे, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में आ भी चुका है। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड अपनी और वो राइट हैंड साइड है, देखो बच्चे, वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा अंडर रूट के अंदर है, अपन को आंसर चाहिए सेक और टेन के टर्म में। तो बच्चे सेक और टेन कब आएगा, पहली बात तो रूट जब हटेगा तब आएगा, और जब भी रूट वाला क्वेश्चन आ जाए जिसके ऊपर अंडर रूट लगा हो, हमेशा डिनोमिनेटर एनालाइज करना है आपको, मतलब हरों का परिमेयकरण करना है हमेशा, वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि अपन हरों का परिमेयकरण कर रहे हैं, रेशनलाइज कर डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पर वन माइनस वन प्लस साइन थीटा, तो वन माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे वन माइनस साइन थीटा से। देखो बच्चे, वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, यानी कि ए माइनस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन गया, जो कि ए माइनस बी का होल ट्वाइस बी, इसको कह सकते हैं अपन, कह नहीं सकते, कह सकते हैं, तो इसको कह देंगे वन ए माइनस बी का होल ट्वाइस, ठीक है, नीचे नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि जो नीचे फॉर्मूला लग रहा है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी का लग रहा है, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो लगा दो ए ये है बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये अंडर रूट अभी भी ऊपर है सबके, वन माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है बच्चे, और यहाँ पर है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो इस स्क्वायर से इसका रूट तो हट जाएगा, मतलब ये वन माइनस साइन थीटा के ऊपर तो स्क्वायर तो हट सकता है, लेकिन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट नहीं हट रहा, तो एक बात बताओ उसको तो एज इट इज अभी एक मिनट के लिए वापस लिख दो ऊपर वाले को, तो ठीक है नीचे वाले को अपन लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती कि नहीं होती वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कैसे आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा इधर होता है तो प्लस का होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन, या फिर साइन स्क्वायर उधर भेजेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दो कोस स्क्वायर थीटा, इस स्क्वायर से इसका रूट खत्म, इस स्क्वायर से इसका रूट खत्म, यानी कि रूट खत्म होने के बाद सेपरेट वैल्यू निकल के आई वन माइनस साइन थीटा और अपॉन कोस थीटा। देखो बच्चे, अब जो ये वन है वो इसका भी है और इसका भी है, मतलब इसको लिख सकते हैं अपन वन अपॉन कोस थीटा माइनस साइन अपॉन कोस थीटा, ये होता है बच्चे, मतलब समझ में आ रहा है आपके, यानी कि बीच में ये प्लस या माइनस होता है, तो ये इसका भी होता है और ये इसका भी होता है, जो कोस थीटा नीचे होता है वो दोनों का बारी बारी होता है, तो वन अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं, बीच में माइनस का माइनस, और साइन अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं। अब देखो बच्चे, वन अपॉन कोस होता है सेक थीटा माइनस साइन अपॉन कोस होता है टेन थीटा, और यही हमें चाहिए था, वेरी इजी। हाँ बच्चे, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना, और इसके मैं आपको दो मेथड बताऊंगा सॉल्यूशन का, ठीक है। सबसे पहले अपने एलएचएस उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, देखो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और रूट है,
हमें चाहिए आंसर टेन कोट के टर्म में। तो बच्चे सेक और कोसेक ऐसे तो अपन को टेन और कोट देगा नहीं, तो सेक और कोसेक अपन साइन कोस के टर्म में बदल देते हैं और साइन कोस हमें टेन और कोट दोनों दे देगा, बिकॉज साइन अपॉन कोस टेन होता है और कोस अपॉन साइन, यानी कि दोनों में कहीं ना कहीं साइन और कोस आ रहा है, मतलब इस क्वेश्चन को साइन कोस के टर्म बदलना ज़्यादा बेटर है। तो देखो सेक को लिख सकते हैं अपन वन अपॉन कोस स्क्वेयर थीटा, प्लस कोसेक को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा, और ऊपर जो अंडर रूट है अंडर रूट। अब ले लो आप इसका एलसीएम, टेकिंग एलसीएम, ठीक है। एलसीएम जब अपन इसका लेंगे, टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेने पर इन दोनों का एलसीएम आएगा बच्चे कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया, मतलब डिवाइड करते हैं ना, तो साइन स्क्वायर थीटा को वन से इंटू किया तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कट गया तो कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगा दो यहाँ पर, और अंडर रूट का अंडर रूट। अब देखो बच्चे यहाँ पर आइडेंटिटी काम करेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है वन अपॉन, नीचे क्या है कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चे वन के ऊपर तो रूट का कोई मतलब ही नहीं है, वन तो वैसे ही वन ही है, रूट हट जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई में, हाँ ये प्लस में होते तो इसका रूट नहीं हटता, इस स्क्वायर से इसका भी खत्म, इससे इसका खत्म, मतलब दोनों मल्टीप्लाई में, इसलिए इन इसका भी रूट खत्म हो गया और वन का भी रूट खत्म हो गया, तो कोस थीटा और साइन थीटा बचा। देखो या तो मैं इसको यहीं पर रोक दूँ और राइट हैंड साइड को सोल्व कर लूँ, एक मिनट आप एक काम करना पहले इसको समझो। चलो अभी मैंने इसको यहीं पर स्टॉप कर दिया, अब मैं लेता हूँ राइट हैंड साइड, दोनों तरीके समझना, फिर इसके बाद में इसी को फिर से बताऊंगा, ठीक है। आर एच एस, आर एच एस है आपकी टेन थीटा प्लस कोट थीटा। अच्छा टेन को लिख सकते हैं वन अपॉन सॉरी साइन अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। टैकिंग एलसीएम, दोनों का एलसीएम आया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोस से कोस कट गया साइन इंटू साइन, साइन स्क्वेयर थीटा इधर आ जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन, और नीचे क्या बचा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये मेरा एल एच एस था। इट मीन्स एक तरीका तो ये है कि एल एच एस बराबर आर एच एस, लेकिन बच्चे एक तरीका और है, कोई भी बच्चा सोचा कि नहीं मैं एक तरीके से और करना चाहता हूँ, ठीक है एक तरीका और भी है, अगर मैं राइट हैंड साइड ना लेना चाहूँ कि नहीं मैं तो इसी को आगे बढ़ाऊंगा राइट हैंड साइड लाऊंगा, तो एक तरीका तो ये जो आपने समझ लिया सबसे अच्छा है, ठीक है, लेकिन नहीं इसी को आगे बढ़ाना चाहते हो तो बच्चे एक तरीका है कि इस वन की जगह फिर से आप आइडेंटिटी रखो, अगर क्वेश्चन साइन कोस के टर्म में चल रहा है तो यहाँ पर इस वन की जगह भी साइन कोस वाली आइडेंटिटी ही रखी जाएगी, तो मैं वन की जगह लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है बच्चे ध्यान से समझना। अब यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसके नीचे पूरा ये भी है प्लस इसके नीचे ये भी है, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये पूरा कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ये पूरा। मेरे कहने का मतलब है बीच में प्लस या माइनस जब होता है तो ये इस पूरे के नीचे, ये पूरा इसके नीचे भी होता है, तो ये पूरा इसके नीचे भी होता है। हाँ इसको अपन यहाँ देख लेते हैं। अब देखो बच्चे ये साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा, तो एक साइन थीटा इससे कम हो जाएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कट गया फिर भी एक साइन थीटा तो बच गया यहाँ पर, मतलब यहाँ पर बच गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, राइट प्लस इधर आ जाओ यहाँ पर इस कोस थीटा से इसका स्क्वायर कट गया, क्योंकि यहाँ पर दो बार कोस इंटू कोस था तो एक कोस कट गया, फिर भी एक कोस तो बच गया, कोस अपॉन साइन यहाँ बच गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बच्चे देखो साइन अपॉन कोस टैन थीटा और कोस अपॉन साइन कोट थीटा, यार तो देखो ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है। अगर आप चाहो कि नहीं मैं तो लेफ्ट हैंड साइड को ही बढ़ाते हुए राइट हैंड साइड लाऊंगा तब तो आप ये कर लेना, ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं एल एच एस को यहीं पर रोक के राइट हैंड साइड करना चाहता हूँ तो भी ये सही, एल एच एस बराबर आर एच एस है, ये भी एल एच एस बराबर आर एच एस है, ओके। हाँ बच्चे अब क्वेश्चन नंबर एट आठवां इस तरीके से, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, राइट हैंड साइड में है टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, ईजी है, अल्फा बीटा की कोई टेंशन नहीं अपन को, वो एक ही बात है, यहाँ पर एंगल की जगह अल्फा है, कभी थीटा हो जाता है, कभी ए हो जाता है, कभी बी हो जाता है,
वो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें 10 अल्फा 10 बीटा मैं आंसर चाहिए। और आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हो तो ये भी 10 अल्फा और 10 10 के थे, 10 रोकोट में भी है, ये भी 10 रोकोट में भी है, लेकिन कभी भी 10 कोट होने से 10 कोट में आंसर नहीं आ सकते। तो बेटर है इस पूरे क्वेश्चन को साइन कोस के टर्म में बदल दिया जाए। तो देखो 10 को लिखेंगे अपन साइन अल्फा 10 थीटा, को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और थीटा इन एंगल वो हमारे पास अभी अल्फा है, ठीक है। बीटा को लिख सकता हूँ साइन बीटा अपॉन कोस बीटा, यानी कि दोनों 10 है तो साइन अपॉन कोस अपॉन कोट होता है कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कोट बीटा, कोट कोस बीटा अपॉन साइन बीटा, यानी कि साइन 10 होता है साइन अपॉन कोस और कोट होता है कोस अपॉन साइन। देखो अब इसका एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम ऊपर ले लो, तो ऊपर एलसीएम आया कोस अल्फा कोस बीटा, ठीक है। अब इसको मत देखना, सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व करें अपन अभी। कोस अल्फा से कोस अल्फा कट गया, कोस बीटा बचा, ये कोस बीटा और वो साइन अल्फा है, नीचे वाले को मत देखना। तो वो आया साइन अल्फा और ये कोस बीटा, एलसीएम सॉल्व करें कुछ निकले बच्चा, और कोस बीटा से कोस बीटा कट गया, बचा कोस अल्फा साइन बीटा से मल्टीप्लाई हो गया तो साइन बीटा इंटू कोस अल्फा आ गया। अब ये जो अपॉन है वो अब लगाएंगे, अब इस नीचे वाला एलसीएम, ऊपर वाला मत देखना अब। तो इसका एलसीएम आया साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया, पीछे बचा साइन बीटा, ये साइन बीटा और ये कोस अल्फा मल्टीप्लाई हो गया तो साइन बीटा इंटू कोस अल्फा प्लस साइन बीटा कट गया, बचा साइन अल्फा, तो ये साइन अल्फा और वो कोस बीटा, ये बच गया। इसको देखो इधर लिख देते हैं अपन, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस अल्फा अपॉन कोस अल्फा कोस बीटा मल्टीप्लाई, ये जाएगा उधर, रेसिप्रोकल होगा तो साइन अल्फा साइन बीटा ये जाएगा ऊपर, और ये जो चीज़ है वो आएगी नीचे, साइन बीटा कोस अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा, ठीक है बच्चे, कोस बीटा है वो कोस बीटा। अब देखो बच्चे अगर इसको देखे अपन, साइन इंटू कोस साइन इंटू कोस, तो यहां पर देखो साइन बीटा कोस अल्फा, बिल्कुल साइन बीटा कोस अल्फा प्लस प्लस साइन अल्फा कोस बीटा, मतलब ये दोनों चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम टू सेम है, ये कट जाएगी। पीछे क्या बचा, ऊपर तो बचा साइन अल्फा साइन बीटा, नीचे बचा कोस अल्फा कोस बीटा। अब देखो बच्चे एंगल एंगल सेम है, वो अपॉन में आ जाएंगे साइन अल्फा कोस अल्फा, इसको 1 मिनट के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ साइन अल्फा कोस अल्फा, लिख सकते हैं ना मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं साइन बीटा कोस बीटा साइन बीटा कोस बीटा, 1 मिनट के लिए आप ऐसा लिख दूंगा तो आप समझ में आ जाएगा। अब देखो साइन अपॉन कोस 10 अल्फा, थीटा अल्फा है तो अल्फा लिख दो, मल्टीप्लाई साइन इंटू कोस 10 और बीटा, तो आंसर क्या चाहिए था 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, ये रहा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, ये आ गई अपनी राइट हैंड साइड, LHS बराबर RHS हैंस। हाँ बच्चे तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो है वो बच्चे इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि इसी क्वेश्चन को अपन ने CBSE जो के अंदर कर चुके हैं, CBSE की जो 8.4 एक्सरसाइज है उसमें कर चुके, तो आपको करना क्या है अपने YouTube चैनल पे जाना है और ये जो प्लेलिस्ट है ट्रिग्नोमेट्री CBSE क्लास 10, देखो इसके नीचे मिलेगी आपको ट्रिग्नोमेट्री RBSE, लेकिन आप CBSE वाले के अंदर जाना, उसमें पार्ट 13 तेरहवा पार्ट है, ठीक है तेरहवा पार्ट है, पार्ट 13 है जिसके अंदर एक्सरसाइज 8.4 मिलेगी आपको, उसका 5th का सेकेंड पार्ट यही क्वेश्चन है, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आप जाके इजीली देख सकते हो। ओके हाँ मुझे तो क्वेश्चन नंबर 10 10वां इस तरीके से कह रहा है, sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा अपॉन sin²θ - cos²θ बराबर 1 लाना है। ओके बच्चे तो ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है, चलो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं LHS,
देखो बच्चे यहाँ पर पावर फोर है, अपन को लाना वन है, तो अपन क्यों नहीं इसमें एक आइडेंटिटी की तरह फॉर्म बना लेते हैं इसको। क्या मैं साइन फोर थीटा को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर का स्क्वायर, एक ही तो बात है, टू टू ज़ा फोर, पावर फोर को, माइनस कोस फोर को लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है, टू टू ज़ा फोर, टू टू ज़ा फोर, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर बच्चे एक फॉर्मूला काम कर गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। और अगर मैं ए की बात करूँ, यहाँ ए है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा, ए की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है बच्चे ध्यान देना, जो ब्रैकेट के अंदर है, और बी की वैल्यू है कोस स्क्वायर थीटा, ये है। चलो अपना क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो इसमें अपन वैल्यू रखेंगे, ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी, यस, और ए माइनस बी, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आंसर को ध्यान रखते हो, आंसर वन लाना है, मतलब ऑलमोस्ट सबको काटना है तब वन आएगा। तो देखो बच्चे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन, ठीक है, आइडेंटिटी काम कर गई, ये तो वन हो गया, और पीछे क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो दोनों सेम टू सेम ऐसे ही कट गया बचा वन, यानी कि वन अपॉन वन, वन टाइम कटा ना तो वन आ गया, तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। हाँ बच्चा, क्वेश्चन नंबर 11 ग्यारहवा यूँ कह रहा है, कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर राइट हैंड साइड है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा एंड कोस थीटा। चलो अपन लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं एलएचएस। देखो बच्चे अगर आंसर अपन को साइन कोस के टर्म में चाहिए तो ऑफ कोर्स अपन लेफ्ट हैंड साइड को भी साइन कोस के टर्म में चेंज करेंगे। देखो कोट को क्या लिखते हैं अपन, लिख सकते हैं साइन कोस के टर्म में कोस अपॉन साइन थीटा, ठीक है, माइनस टेन को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ओके बच्चे। अब ले लो आप एलसीएम साइन इंटू कोस, तो ऑफ कोर्स वही एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन से साइन कट गया कोस, कोस को कोस है कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस से कोस कट गया, पीछे बचा साइन और साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चे। अब देखो अगर मैं आंसर का ध्यान रखूं तो आंसर में चाहिए दो साइन, नीचे तो देखो साइन कोस आ रहा है, बिल्कुल साइन कोस चाहिए था, और यहाँ पर दो बार साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, हमारे पास तो एक ही बार साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब हमें कोस स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, तो मतलब इस कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह है ही, ये वाला नीचे आ जाओ वो का वो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब बच्चे यहाँ देखो वन का वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये माइनस का वन साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का वन साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर, दो साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यही हमारी राइट हैंड साइड थी, यानी कि एल एच एस बराबर आर एच एस। हाँ बच्चे तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका 13वां क्वेश्चन यूँ कह रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड है सेक थीटा माइनस कोस थीटा और कोट थीटा प्लस टेन थीटा, और अपन को आंसर लाना है टेन और सेक। देखो टेन और सेक या फिर कोट सेक जब भी चाहिए हमेशा क्वेश्चन को साइन कोस के टर्म में बदलो, सबसे बेस्ट तरीका है, ओके, सबसे इजी पड़ेगा, हर क्वेश्चन मोस्टली साइन कोस के टर्म में बदलो। सेक होता है वन अपॉन कोस थीटा माइनस ऑलरेडी कोस, देखो ये इसको साइन कोस में बदलना तो ये वन अपॉन कोस होता है माइनस का माइनस, ये तो कोस तो ऑलरेडी साइन कोस के टर्म में है, कोस में है, तो इसको मत चेंज करना, एज इट इज रहने दो, इधर आ जाओ। कोट होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन क्या होता है टेन होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है बच्चे। अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम आया कोस थीटा, तो कोस से कोस कट गया वन, वन का कोस थीटा डिवाइड किया तो कोस थीटा, कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर थीटा, इधर आ जाओ, इधर एलसीएम आया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन से साइन कट गया, पीछे बचा कोस, कोस को कोस है तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस
से कोस कट गया, बचा साइन, साइन को साइन से किया तो साइन स्क्वायर थीटा। देखो मुझे, ये तो वन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गया वन। नीचे क्या बचा, उतार दो साइन थीटा कोस थीटा, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी होती है ना भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन। ओके बच्चे, तो ये तो वन हो गया, या वन अपॉन एज इट इज, ठीक है। अब इधर आओ, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब सुनना, डिपेंड करता है कि मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा में क्यों चेंज कर रहा हूँ, रीज़न है, रीजन बिहाइंड, कि हमें आंसर चाहिए टेन और सेक थीटा में। तो देखो, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कोस थीटा का कोस थीटा, ब्रैकेट लगा दो चाहे, वैसा भी ये मल्टीप्लाई में है। अब देखना, ये सब मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर साइन थीटा से इसका स्क्वायर कट गया, क्योंकि यहाँ पर दो बार साइन थीटा था, तो पीछे क्या बचा बेटे, साइन थीटा, और नीचे क्या बचा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा, या फिर आप इसको कोस इंटू कोस ही रहने दो, इसके पीछे भी रीज़न है, बताता हूँ आपको क्यों, क्योंकि अब अपन करेंगे, ये जो साइन है इसको लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन जब इसके साथ आ चुका, तो यहाँ बचा वन, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में है ना बच्चे, यहाँ प्लस होता तो ये इसका भी होता, इसका भी होता, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये साइन अपॉन कोस तो एक हो गया, और यहाँ बचा वन मान लो, तो एक वन अपॉन कोस और लिख लो, यानी कि वन अपॉन कोस। तो इसको ऐसे अगर टुकड़े करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, साइन अपॉन कोस आप जानते होता है टेन थीटा, और इंटू वन अपॉन कोस होता है सेक थीटा। तो ये आ गई अपनी राइट हैंड साइड, वेरी वेरी इजी, राइट, ठीक है बच्चे। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखो बच्चे, एक क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो आपको सीबीएसई वाले के अंदर जाके देख लेना आराम से, उसमें मैं तो कहता हूँ आप उस वाली पूरी प्लेलिस्ट को पढ़ना, ताकि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, दोनों सीबीएसई आरबीएसई दोनों पढ़ना। मैं और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन डालूंगा, ट्रिग्नोमेट्री एक ही होती है, क्वेश्चन मिलने चाहिए, अच्छी बात है, आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलने, प्रैक्टिस करो, ठीक है।